Very good morning, students. After discussing the electric potential energy and the potential energy due to the point charge or two point charge system, now today we are going to discuss about the sum of the numerical related to the electric potential and electric potential energy. ठीक है, आज हम क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर इज गिवन इन द बोर्ड, दैट इज द टू पॉइंट चार्जेस 9 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम. ठीक है, एक 9 माइक्रोकूलम है और दूसरा क्या है, -2 माइक्रोकूलम है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. दो चार्जेस हमारे पास दिए हुए हैं, एक का चार्ज है 9 माइक्रोकूलम, दूसरे का है -2 माइक्रोकूलम. ठीक है, और दोनों को सेपरेट रखा हुआ कितने डिस्टेंस से, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से. और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू द चार्जेस. इन दोनों चार्जेस की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, मतलब कितना हमें वर्क डन यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, अपोजिटली नेचर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन हमें इसको इतनी डिस्टेंस पर बना के रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है. ठीक है, तो वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. सो एज वी हैव डन द आर्टिकल्स, द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द यू. तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट. तो U का फॉर्मूला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, डॉट आर स्क्वायर, इन केस होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हियर द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली आर. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द क्यू वन इज व्हाट, 9 माइक्रोकूलम. तो हमें पता है कि माइक्रोकूलम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, किसमें, कूलर में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, 9 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइक्रो का मतलब -6 होंगे. ठीक है, क्यू टू की वैल्यू जो है 2 माइक्रो कूलर में विद अ नेगेटिव साइन, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलर. एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस गिवन एज द आर 20 सेंटीमीटर, और जिस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 × 10⁻²⁻¹⁰ मीटर. तो यहाँ पे हमने सारे के सारे कन्वर्शन जो है वो कर ली. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस गिवन फार्मूला. तो गिवन फार्मूला क्या है हमारे पास, के, बट द वैल्यू ऑफ द के 9 × 10⁻⁹. आई थिंक आई हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 9 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय Q2. हियर द value of the Q2 will comes out to be negative of the 2 × 10⁻⁶ whole divided by R. R is 2 × 10⁻⁻²⁰. ये देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना बनता है हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू. सो बिना पावर वाले टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं, 9 × 9 को अलग से कर लिया, 2 अलग से हो गया, 10⁻⁶ और -6 −12 हो जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे पावर बची 10⁻⁹, ये होल डिवाइडेड बाय 2, और 10⁻² को ऊपर ले जाते तो ये प्लस में हो जाएगा, 10⁻² 9 × 2 = 11, और यहाँ पे -12 है तो बचेगा कितना हमारे पास, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचा यू विल कम्स आउट टू बी 99 का 81, और यहाँ पे पावर कितनी बची, 10⁻⁻¹ बिकॉज द लार्जेस्ट साइन इज ऑफ द 12, और नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज यू इज इक्वल टू, इसको अगर हम अरेंज करके लिखते हैं तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.81 जूल. तो दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, इतनी एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर स्टोर हो गई. सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि वही फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू सेपरेट द चार्जेस टू द इनफिनिटी. अब ये जो चार्ज है इनको, इसके इन दोनों में से किसी एक चार्ज को अगर मैं उठाता हूँ, इसके ऊपर वर्क डन करता हूँ और इसकी फील्ड के अगेंस्ट चला जा रहा हूँ मैं, फिर इन्फिनिटी तक चले के चला जाता हूँ, तो मुझे टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा. तो वी नो दैट द वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू इन्फिनिटी
can be written as work done at point infinity, so potential energy at infinity minus of potential energy at point A. मान लो A point ये है और मुझे इस चार्ज को infinity तक लेके जाना है. तो जैसे कि हमने previous lectures में भी पढ़ा हुआ है कि भाई the potential at point infinity, infinity पे जो potential होता है that will be considered to be as zero, very minor सा होता है, इसको हम zero ही consider करते हैं. तो here becomes out to be, अच्छा one more thing is missing here in the article, हाँ negative sign भूल गए हैं यहाँ पे लगाना, ठीक है, with the negative sign आए. तो potential at point zero is, ठीक है, infinity is zero, तो यहाँ पे value जो हमारे पास निकाली है, इस point के ऊपर कितनी potential निकल रहा है, minus of 0.81, तो it will comes out to be plus of 0.81 joule. तो इतनी energy हमें चाहिए या इतना work done हमें करना पड़ेगा किसी चार्ज को A पॉइंट से उठा करके कहां पर प्लेस करना है, इनफिनिटी तक प्लेस करना है. लेट्स हियर. ओके, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव आस्क्ड अबाउट द, क्या पूछा गया है, द टू इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड एट द सम सेपरेशन. दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इनको एक सर्टेन सेपरेशन पर रखा गया है, ठीक है. A third charge Q is placed midpoint between these two electrons. एक third charge हम इन दो electrons के बीच में place करते हैं, ठीक है? For the electrical potential, what should be the Q for the electric potential should become zero. यानी कि हमें ये charge पूछा गया, एक third charge हम यहाँ पे place कर रहे हैं in between these two negative charges. ठीक है, तो हमें बताया गया है, पूछा गया है कि भाई बताओ इस Q का कितना अमाउंट रखे हम ताकि इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये पॉइंट पोटेंशियल जो है वो जीरो तभी होगा जब ये जो चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं वो चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और एक नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल विल बिकम जीरो. ठीक है, और हमें यही चीज जो है पूछी गई. मान लेते हैं ये जो थर्ड चार्ज हमने प्लेस किया इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, और दूसरे के बीच की सेपरेशन भी आर ही मान लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन कितनी बन जाएगी, टू टाइम्स ऑफ आर. हमें बोला गया कि भाई बताओ टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम विल बिकम जीरो, जो टोटल पोटेंशियल होगा इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल ये फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्यूशंस में, कौन सा, दैट यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए. अब इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हमें टोटल एनर्जी बतानी कि टोटल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की वजह से. ठीक है, तो यू जो है किसके इक्विवेलेंट लिया जाएगा हमारे पास यहाँ पे, के पहले इन दोनों के बीच में जो कितना पोटेंशियल बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस ऑफ क्यू ई, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस है. ठीक है, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन को हमने क्यू ई करके लिखा और सिंपल जो बीच में प्लेस किया है पॉजिटिव चार्ज उसको क्यू करके लिख रहे हैं. ठीक है, अपोन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, आर, प्लस इन दोनों के बीच की सेपरेशन देखो अब कितनी आ रही है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस ऑफ क्यू ई इंटू क्यू, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन भी कितनी आ रही है, आर आ रही है. अब इसकी और इसके बीच में जो पोटेंशियल बन रहा है वो कितना बनेगा, तो उसको भी हम लिखेंगे के माइनस ऑफ क्यू ई इंटू माइनस ऑफ क्यू ई अपोन टोटल सेपरेशन दोनों के बीच में कितनी बनेगी, टू आर बनेगी. अब कुछ नहीं करना हमें, इन सभी फॉर्मूलेज को अरेंज करना है. देखो कॉमन क्या है, टोटल एनर्जी सिस्टम तो हमें कितना बोला हुआ, जीरो बोला हुआ, तो यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो. के कॉमन आ जाएगा इसमें से, आर कॉमन आ जाएगा इसमें से, ठीक है, अंदर कितना बचेगा, माइनस ऑफ QE into Q, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ऑफ QE into Q, यहाँ पे भी R कॉमन निकल गया, प्लस ऑफ यहाँ पे बचेगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा QE square upon 2, ठीक है, तो ऑल दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू द जीरो, तो इस वैल्यू को मैं इस तरफ लिख ले रहा हूँ.
क्लियर हुई बात नहीं? ठीक है, तो ये स्केप और आर को उठा के इस तरफ लेके जाते, तो ये तो जीरो हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, माइनस ऑफ क्यू ई क्यू प्लस ऑफ दिस प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ क्यू ई इंटू क्यू। ठीक है, टू टाइम्स आ गया ना, ये साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा, बाहर निकलते हैं, प्लस ऑफ क्यू ई स्क्वायर अपॉन टू विल बी इक्वल टू द जीरो, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो ये बनेगा टू टाइम्स ऑफ क्यू ई इंटू क्यू प्लस ऑफ, यहां से एक काम करें इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू नेगेटिव साइन का हो जाएगा क्यू ई स्क्वायर अपॉन टू, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, एक क्यू ई से क्यू ई कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू की वैल्यू जो हमारे पास बन के आएगी यहाँ पर, दैट इज क्यू ई, यहाँ पे एक बचा क्यू ई और यहाँ से टू इस तरफ आया, टू टू का फोर, तो दैट अमाउंट ऑफ द चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट दिस मिडल पॉइंट सो दैट द होल ऑफ द सिस्टम विल बिकम एट द जीरो पोटेंशियल एनर्जी, इज दैट क्लियर? ये सारा का सारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा जब हम चार्ज कितना प्लेस करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू द क्यू टाइम्स ऑफ फोर, क्लियर हुई? वो भी पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर, क्लियर हुई बात? ये ओके, द थर्ड न्यूमेरिकल्स वे आर आस्क्ड विद द पॉइंट चार्जेस ऑफ द 9 माइक्रो कूलम एंड -6 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड द 90 सेंटीमीटर अपार्ट, कहां पे प्लेस किया, 90 सेंटीमीटर अपार्ट प्लेस किया, फाइंड द डिस्टेंस ऑन द लाइन वैल्यू ऑफ द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, हमें बोला गया है कि बताओ भाई इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे जीरो होगा उस पॉइंट को बताओ। ठीक है, तो ये मैंने दो पॉइंट चार्जेस बना दिए हैं यहाँ पे, इसको क्यू वन का नाम दे दिया 9 माइक्रो कूलम और ये है क्यू टू 6 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे मान लेते हैं करीब पे एक थर्ड चार्ज प्लेस किया है, जहाँ पे इन दोनों की वजह से, सॉरी थर्ड चार्ज प्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की वजह से पोटेंशियल जो हो वो जीरो हो जाएगा, तो मान लो ये डिस्टेंस जो होगी वो आर डिस्टेंस पर मान लेता हूँ मैं फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज, तो मुझे ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्या कैलकुलेट कर रहा है, इस आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सो वी नो द इन दोनों की वजह से हमें जो पोटेंशियल बोला होगा वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज की वजह से इसको वन मान लेते हैं, और पोटेंशियल ड्यू टू द सेकेंड चार्ज इट मस्ट बी इक्वल टू द जीरो, इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हमें इन दोनों को ऐड करके जीरो लिख दिया यहाँ पे, क्लियर हुई बात? तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज के क्यू अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू उठाते हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के क्यू क्यू की जगह क्यू वन लिख देते हैं। ठीक है, अपोन आर, सेपरेशन कितनी हुई इन दोनों के बीच में, जहां पोटेंशियल जीरो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू आर प्लस ओ के, दूसरे के वजह से पोटेंशियल कितना बनेगा क्यू टू, और इस दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी बची, टोटल डिस्टेंस एक्स के बराबर है और एक्स में आर निकाल देते हैं, तो एक्स माइनस ऑफ आर विल बी इक्वल टू द जीरो, क्लियर हुई बात ये? ठीक है, नाउ सी हियर वन चार्ज इन दिस केस इज द नेगेटिव चार्ज, या तो फिर एक काम करते हैं इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हियर वी बिकम दैट के विल कम्स आउट टू बी कॉमन, सो ये बचेगा क्यू वन अपॉन आर प्लस ऑफ क्यू टू अपॉन एक्स माइनस ऑफ आर विल बी इक्वल टू द जीरो, सो क्यू वन अपॉन आर प्लस ऑफ क्यू टू अपॉन एक्स माइनस ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, आर कैलकुलेट करना है, तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पे हम एक काम करते हैं इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, तो क्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द क्यू टू अपॉन एक्स माइनस ऑफ आर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस ऑफ आर और ये बन जाएगा क्यू टू नेगेटिव साइन आर, ओपन कर दो इस क्वांटिटी को, जब हम ओपन करते हैं तो वी विल गेट क्यू वन एक्स माइनस ऑफ क्यू वन आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू टू आर, तो इसकी वैल्यू उठा के इस तरफ ले जाए, तो ये बन जाएगा क्यू वन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू टू आर प्लस ऑफ क्यू वन आर, तो इन दोनों से कॉमन आ गया भाई, आर अंदर कितना बचेगा क्यू वन माइनस ऑफ क्यू टू, वैल्यू डाल दी, तो ये बना क्यू वन एक्स, तो हमारे पास आर की वैल्यू आई भाई क्यू वन अपॉन क्यू
q1 minus of q2 is equal to r, साथ में यहाँ पे x. तो ये बना लिया हमने एक जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस r. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो सी हियर व्हाट विल हैपन, हम यहाँ पे सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. q1 विल कम फ्रॉम 2b, कितना है 9 इंटू 10^-6 कूलम. ये आपको पता है कि माइक्रो कूलम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कूलम में कन्वर्ट कर रहे हैं. अपोन यहाँ पे 9 इंटू 10^-6 कूलम माइनस ऑफ q2 की वैल्यू देखो माइनस ऑफ 6 है, माइनस ऑफ 6 इंटू 10^-6 कूलम इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं तो ये बन जाएगा -2. ठीक है, नॉट 9, इट्स 90 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू विल बी इक्वल टू द आर. अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कैलकुलेट करके देखो क्या बनता है हमारे पास. ये बनेगा 9 × 10^-6 अपोन 9 × 10^-6 माइनस माइनस प्लस 6 × 10^-6 इंटू 90 × 10^-2 इक्वल टू आर. तो देखो यहाँ पे नीचे वाले क्वांटिटी से दोनों में कॉमन क्या आया हमारे पास, तो इसको लिखते हैं आर इज इक्वल टू 9 × 10^-6 as such. 10^-6, 10^-6 कॉमन आ गया. अंदर क्वांटिटी कितनी बची 9 + 6 मल्टीप्लाई किया किससे 9 × 10^-2. तो यहां से तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगी, 9 × 6 तो 15 हो गया. तो r will come out to be 9/15. ठीक है, तो यहाँ पे बचा 9 × 10^-2. क्लियर हुई बात ये. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो अल्टीमेटली वी गेट द रिजल्ट ऑफ 0.54 मीटर. ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पर हम इसको कैलकुलेट करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं. तो इन दैट वे वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स. क्लियर हुई बात ये, थैंक यू ऑल.